नमस्कार दोस्तों, वन इंडिया में आपका स्वागत है। इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में कंगारू टीम को हार का सामना करना पड़ा, तो वहीं मेजबान टीम ने लगातार दूसरा मैच जीतकर 3 मैचों की टी20 सीरीज में 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली। इस जीत के साथ ही इंग्लैंड ने टी20 सीरीज पर भी अपना कब्जा कर लिया। इंग्लैंड की जीत में टीम के ओपनर बल्लेबाज जोस बटलर ने अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस मैच में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान एरन फिंच ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मेहमान टीम 20 ओवर में 7 विकेट पर 157 रन बनाने में कामयाब रही। इंग्लैंड को जीत के लिए 158 रन का लक्ष्य मिला था, जिसे इस टीम ने 18 ओवर में 4 विकेट पर हासिल कर लिया। इस तरह से इंग्लैंड को दूसरे मैच में 6 विकेट से जीत मिली। दूसरी पारी में जीत के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की टीम ने पहला विकेट जॉनी बेरेस्टो के रूप में गंवा दिया। वो 9 रन के स्कोर पर स्टार्क की गेंद पर हिट विकेट हो गए। इसके बाद बटलर और डेविड मलान के बीच अच्छी साझेदारी दूसरे विकेट के लिए हुई और फिर मलान 42 रन बनाकर आउट हो गए। टॉम बेंटन फिर नाकाम रहे और 2 रन पर ही अपना विकेट गंवा बैठे। कप्तान इयोन मॉर्गन भी 13 रन पर आउट होकर चलते बने, लेकिन जॉस बटलर आखिर तक नाबाद रहे और उन्होंने नाबाद 77 रन की पारी खेलते हुए टीम को जीत दिला दी। मोइन अली भी 13 रन बनाकर नाबाद रहे। दूसरी पारी में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एस्टन एगर को 2 जबकि एडम जाम्पा और मिचेल स्टार्क को 1-1 सफलता मिली। वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम पहली पारी में साउथहैम्पटन के एसेज बाउल स्टेडियम में खेले गए दूसरे टी20 मुकाबले में एक बार फिर डगमगा गई। उसकी आधी टीम 89 रन पर ही पवेलियन लौट गई। वो तो भला हो ग्लेन मैक्सवेल और एस्टन एगर का, जिन्होंने 6 विकेट के लिए 43 रन जोड़कर टीम को 150 रनों के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई। इससे ऑस्ट्रेलिया की टीम 7 विकेट के नुकसान पर 157 रन बनाने में कामयाब रही। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए वन इंडिया।